वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन सुपर टिप्स। आज का ये जो वीडियो है वो है कैसे आप अपने ओपन पोर्स को जो है वो बेहद ही सिंपल मेथड से इसे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और दिल्ली में तो काफी ज्यादा ही गर्मी है, जिसको लेकर जो है ओपन पोर्स की जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। आज मैं यहाँ पर आपको बेहद ही सिंपल सिर्फ 4 मेथड्स के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर पर ही अपने ओपन पोर्स की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। आप इसको एक हफ्ते में ही सिर्फ दूर कर लेंगे। पहले आपको बता देती हूँ कि अक्सर ये ओपन पोर्स होते क्यों हैं। दरअसल ओपन पोर्स होने के 2 कारण हैं। एक तो आपकी एजिंग, यानी कि जब उम्र हो जाती है तब जो है स्किन जो है वो अपने आप ही ओपन होने लगती है फेस की, चाहे वो नोज हो या फिर चिक हो। आपने कई बारी देखा होगा कि कई महिलाओं के ओपन पोर्स जो है वो साफ तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर मैं अब सेकंड चीज की बात करूं कि सेकंड चीज क्या है जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, सेकंड चीज ये है कि कई बारी जो है 30-35 या फिर 30 से भी कम उम्र की लेडीज को जो है ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है। वो होती है कि आप ज्यादातर टाइम जो है गर्मी में स्पेंड करते हैं, यानी कि आप बाहर घूमते हैं तब आप अपने फेस को कवर नहीं करते हैं और आपके चेहरे पर जो सन की रेज पड़ती है उससे जो है आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ये वीडियो, जहां पर मैं आपको बेहद ही सिंपल 4 इजी से स्टेप बताऊंगी, जहां पर आप इस स्टेप को 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना और आपके ओपन पोर्स की ये समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले मेरा नंबर 1 स्टेप ये है कि आप अपने फेस को अच्छे से गुलाब जल से क्लीन कर लेंगे, जिससे आपके फेस पे जितनी भी गंदगी होगी वो काफी अच्छे से साफ हो जाएगी। मैं यहाँ पर डाबर का रोज वाटर ले रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कॉटन पैड पर डालूंगी। अब मैं इसे अपने फेस को क्लीन करूंगी। गाइज, ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं मेरे सेकंड स्टेप की ओर। मेरा सेकंड स्टेप ये है कि जब हमने अपने फेस को गुलाब जल से पहले क्लियर कर लिया है, तो अब हम जो है आईज, यानी कि बर्फ की हेल्प से जो है अपनी स्किन को टाइट करेंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल आइस क्यूब ले रही हूं। अब मैं उसे अपने फेस पर लगाऊंगी। अब मैं इसे थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। गाइस, मेरा थर्ड स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और उसके अंदर आप डालेंगे टोमेटो के जूस को। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी को ऑलरेडी ही भिगो के रखा हुआ था। आप भी इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें, जिससे जो है ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी टोमेटो का जूस। गाइस, अब मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी टोमेटो के जूस को। मैं यहां पर 1 टेबलस्पून टोमेटो के जूस को मिक्स कर रही हूं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा पैक जो है वो तैयार हो जाएगा। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को जो है ठंडा करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है और टोमेटो जो है उससे हमारे पोर्स और हमारी स्किन में ग्लो आता है।
पोर्स जो है उससे हमारे ये जो बंद होने में हेल्प करेगा टोमेटो और हमारी स्किन को भी ग्लो करेगा। गाइस चलिए अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। जहां पर आपके पोर्स ज्यादा होंगे आप वहां पर इसे ज्यादा अप्लाई कीजिएगा। गाइज अब ये अप्लाई हो चुका है, अब हम इसका सूखने का वेट करेंगे और जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तब आप प्लीज भी कुछ बोलना मत, क्योंकि अगर आप उस टाइम कुछ बोलेंगे तो आपके फेस पे जो है वो क्रैक्स आने के बिल्कुल ज्यादा आपकी स्किन पे क्रैक्स दिखाई देंगे। तो चलिए अब वेट करते हैं कब तक ये सूखता है। हार्डली ये 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा और उसके बाद मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने अपने थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं मेरे फोर्थ स्टेप की ओर। मेरा फोर्थ स्टेप ये है कि अब आपको अपनी स्किन पे लगाना है मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाओ का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये काफी अच्छा एक मॉइस्चराइजर है। अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। गाइज मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। गाइज ये है मेरे फोर इजी सिंपल से स्टेप, आप इसे DIY भी कह सकते हैं और आप इसे अपने घर पर भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। होपफुली गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके ओपन पोर्स की समस्या के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इसे अगर 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप ही अगर आप इसे ऐसे फॉलो करेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि इस मेथड को आपको जो है वीक में 2 बारी ट्राई करना है, यानी कि अगर आप मंडे को ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर नेक्स्ट इसको फ्राइडे अप्लाई कीजिएगा, जिससे जो है आपकी जो स्किन के ओपन पोर्स जो है उसमें आप खुद देखेंगे कि ये ओपन पोर्स जो है वो अब रिड्यूस हो जाएंगे और कम धीरे धीरे होते होते बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे आगे शेयर कीजिए और हाँ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज हरे अब आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फैशन सुपर टिप्स के नाम से वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। जाते जाते अब आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपका और मेरा कनेक्शन हमेशा बना रहे।
बाय बाय।